Topic is income tax. Ind AS 12. इसमें एडवाइजरी ये था कि भाई ऑलमोस्ट सारा कंपनी का फ्यूचर टैक्सेबल इनकम आर गोइंग टू गो डाउन. इंडिया का ओवरऑल GDP दे आर एक्सपेक्टिंग दैट इट विल गो डाउन बाय मोर देन 10%. मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा जब से मैं पैदा हुआ कि GDP इज गोइंग डाउन बाय 10%. पहला क्वार्टर जो गुजरा अप्रैल में जून वाला, आवर GDP वॉज डाउन बाय 24%. GDP अगर 24% डाउन है, कॉरपोरेट प्रॉफिट कितना डाउन हुआ होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं. हमारा यह बोलना है, इंस्टीट्यूट ने एडवाइजरी जारी किया है कि भाई फ्यूचर टैक्सेबल इनकम COVID-19 की वजह से नीचे जाएगा, तो बहुत सारा डेफर्ड टैक्स असेट जो आपने पहले से लिख रखा है उसकी रिकवरेबिलिटी को लेकर के क्वेश्चन आएंगे. अगर उनको लेकर के क्वेश्चन आएंगे तो उन डेफर्ड टैक्स असेट को बैलेंस शीट में रखना है कि नहीं रखना है उसको असेस करना है. बिकॉज डेफर्ड टैक्स असेट बैलेंस शीट में आप तभी रख पाओगे जब आपको उसके रिकवरी का उम्मीद होगा. अगर आपको उसके रिकवरेबिलिटी को लेकर के क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा तो बहुत सारे डेफर्ड टैक्स असेट रिवर्स होने के चांसेस हैं, केयरफुली असेस कर लीजिएगा. दूसरा, अभी COVID-19 की वजह से आप बहुत सारा इंपेयरमेंट अकाउंटिंग करेंगे. अगर आप बहुत सारा इंपेयरमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं तो कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट एज पर बुक्स तो कम हो जा रहा है लेकिन टैक्स बेस कम नहीं हो रहा है. तो अगर कम नहीं हो रहा है तो बहुत सारा नया डेफर्ड टैक्स असेट बुक्स में आएगा. अब वो जो नया डेफर्ड टैक्स असेट आपके बुक्स में आएगा उसको आपको रिकॉर्ड करने के लिए जो 3 क्राइटेरिया अप्रोच है उसको केयरफुली कंसीडर करना है. वहां पर एक फ्यूचर टैक्सेबल इनकम का भी केस है कि फ्यूचर टैक्सेबल इनकम होने से हम डेफर्ड टैक्स असेट लिखेंगे. तो बहुत केयरफुली सिचुएशन को असेस करके फिर आपको डेफर्ड टैक्स असेट और लाइबिलिटी जो पुराना बैलेंस शीट में है उसका क्या करना है, जो नया पैदा हो रहा है उसका क्या करना है, केयरफुली असेस करना है. एक चीज को ज्यादा ध्यान देना है कि फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट बिकॉज ऑफ कोविड इज सिग्निफिकेंटली गोइंग टू गो डाउन. सो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फैक्ट आपके डेफर्ड टैक्स असेट और लाइबिलिटी पुराने वाले और नए वालों का मेजरमेंट और रिकॉग्निशन होना चाहिए.